हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारा चैनल लेके टेक ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं गाइस कैसे आप लोग गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को यही आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे आपका YT स्टूडियो में यहाँ पे $10 से यहाँ पे ऊपर हो जाता है तो आप लोग को यहाँ पे एक मेल आता है, उसमें आप लोग को लिखा हुआ रहता है कि आपका यहाँ पे गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप लोग को करना पड़ेगा। ओके गाइस, नहीं तो आपका यहाँ पे पेमेंट है जो यहाँ पे होल्ड कर देगा गूगल एडसेंस। ओके गाइस, आपका पेमेंट यहाँ पे बैंक अकाउंट तक नहीं यहाँ पे पहुँचाएगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे मेल आता है आप लोग को, मैं यहाँ पे शो कर देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे कल ही यहाँ पे YT स्टूडियो में यहाँ पे $10 से यहाँ पे ऊपर हो गया था, इसके लिए मेरा यहाँ पे एक मेल आया था। ओके गाइस, मेल मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया था, आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से आया था, ऊपर में लिखा हुआ था यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, इस तरीके से कुछ यहाँ पे मेल आया था मुझको। ओके गाइस, गूगल पेमेंट के तरफ से यहाँ पे मेल आया था जो कि कल ही आया था, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। ओके गाइस, और आज ही आप लोग को सोचा था कि मैं आप लोग के साथ यहाँ पे वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम आए तो आप लोग इसको देखकर अपना प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सको। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेल आया था, इस मेल में यहाँ पे लिखा गया है इसकी यहाँ पे आप लोग को पैन कार्ड या तो कोई सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, पैन कार्ड हो या तो वोटर कार्ड हो या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या तो पासपोर्ट हो, आप लोग को चारों डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कोई सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पे आप लोग को गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ता है। तो आप लोग को कैसे गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है इस वीडियो में आप लोग को टोटल आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रोसेस आप लोग को करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव यहाँ पे होने वाली है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आप लोग को जाना पड़ेगा, वहीं पे मैं आप लोग को टोटल आप लोग को प्रोसेस करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को बताते हैं यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन पे आप लोग को कैसे यहाँ पे गूगल एडसेंस में आप लोग को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे कैसे करना है। इस वीडियो में आप लोग को टोटल आप लोग को प्रोसेस आप लोग को लैपटॉप के पे जाके आप लोग को बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को लिए बनाऊँ तो आप लोग देख कर कुछ यहाँ पे नॉलेज आप लोग को गेन कर सके। तो चलिए चलते हैं आप लोग को लैपटॉप के स्क्रीन पे आप लोग को और बताते हैं कैसे यहाँ पे गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप लोग को करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ अपना लैपटॉप में, आप लोग के पास अगर जो लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में यहाँ पे कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग मोबाइल का यहाँ पे फोन का क्रोम ब्राउजर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, उसमें आप लोग को डेस्कटॉप यहाँ पे इनेबल करके। ओके गाइस, सिंपली आप लोग को क्रोम में आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है यहाँ पे एडसेंस, एडसेंस लिखकर यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ एडसेंस लिखकर यहाँ पे सर्च कीजिएगा, ये जो फर्स्ट वाला आप लोग को साइट नजर आ रहा होगा सिंपली इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग को एडसेंस यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एडसेंस लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करने के लिए सिंपली आप लोग को साइन इन के ऊपर आप लोग को टैप करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर यहाँ पे नहीं करना है, आप लोग को साइन इन के ऊपर आप लोग को टैप करना है क्योंकि आपका एडसेंस पहले से यहाँ पे बना हुआ है। ओके गाइस, सिंपली साइन इन के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा तो आपका यहाँ पे एडसेंस अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ओके गाइस, यहाँ पे चेतावनी दिया गया है, योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को पेमेंट यहाँ पे होल्ड कर चुका है क्योंकि आप लोग को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे करना अनिवार्य है। ओके गाइस, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली आप लोग को एक्शन के ऊपर आप लोग को एक बटन मिल रहा होगा, सिंपली आप लोग को एक्शन के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। ओके गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। वेट कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को वेरीफाई नाउ के ऊपर आप लोग को टैप करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। ओके गाइस, सिंपली यहाँ पे आप लोग को वेरीफाई नाउ के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा इस तरीके से ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, नीड फॉर वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, एन आईडी टू वेरीफाई इट्स रियली यू, आप लोग के पास कौन सा यहाँ पे वेरीफाई आईडी है। जैसे यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे पासपोर्ट दिया गया और यहाँ पे आप लोग को पैन कार्ड यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दिया गया, चारों डॉक्यूमेंट से आप लोग के पास कौन सा यहाँ पे अवेलेबल है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करके आप लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप लोग को यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे तो आप लोग के घर में होगा ही आपका नाम से,
आप लोग के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग को वोटर कार्ड तो होगा ही, आप लोग को पैन कार्ड डालकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वोटर कार्ड ही आप लोग डालकर अपलोड कर सकते हैं। आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लोग को नहीं ही होगा अभी तक, तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप लोग पैन कार्ड डालकर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सिंपली मैं यहाँ पे पैन कार्ड डालकर यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर यहाँ पे आप लोग को टैप नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा एक लीगल नेम, तो यहाँ पे क्या नाम आप लोग को डालना है, तो जो आपका आई डी में यहाँ पे होगा नाम वही आप लोग को फिल करना है। जैसे आपका पैन कार्ड में क्या चीज नाम से यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मेरा नाम है अमित, तो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी अमित ही नाम होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे अमित कुमार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट आईडी टाइप, आप कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप करके यहाँ पे आप लोग अटैच करके यहाँ पे आप लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड के ऊपर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे चारों में से कोई सा अदर डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करने वाले हैं तो यहाँ पे वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को फ्रंट ऑफ आई डी, यहाँ पे फ्रंट आई डी आप लोग को अपलोड करना है पैन कार्ड का, और यहाँ पे आप लोग को बैक ऑफ आई डी, यहाँ पे बैक का आई डी आप लोग को अपलोड करना है, जैसे पैन कार्ड आगे और पीछे दोनों का यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड का आगे और पीछे दोनों का यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। दोनों अपलोड हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट के ऊपर आप लोग को टैप करना है, ओके गाइस। कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा नेक्स्ट, तो सिंपली आप लोग को नेक्स्ट के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे एड्रेस, कौन सा यहाँ पे एड्रेस आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस है जिसके ऊपर आप लोग गूगल का जो वेरीफाई आप लोग को पिन आएगा, ओके गाइस, यहाँ पे वेरिफिकेशन पिन आएगा, वो आप लोग को वेरिफिकेशन पिन आपका एड्रेस पे ही आएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस आप लोग को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को क्या प्रोसेस करना है वो आप लोग को साथ बताता हूँ। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सबमिट के ऊपर आप लोग को टैप करना है, ओके गाइस। मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। जैसे यहाँ पे सबमिट के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, ओके गाइस। जैसे यहाँ पे शो हो रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा होगा, ओके गाइस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, ओके गाइस। क्योंकि मैं यहाँ पे गांव से यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। वेट कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोग्रेस में यहाँ पे चला गया, ओके गाइस। यहाँ पे थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, दी वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज, यहाँ पे कुछ ही समय आप लोग को लगेगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को गो टिट के ऊपर आप लोग को टैप कर देना है। जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा, आपका यहाँ पे प्रोसेस में यहाँ पे चला गया, ओके गाइस। यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस में चला गया, यहाँ पे आप लोग वेरिफिकेशन चेक के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस में चला गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इन प्रोग्रेस, इस तरीके से कुछ लिखा आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कब तक होता है आप लोग को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे गूगल का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। अगर ये वीडियो आप लोग को नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।